A very good morning. So today I am here with a new topic, that is article and usage and question. Lesson number 8. Article, usage and question. Okay. So first I will tell you what is article. Article is a and the are the words which are known as article. A and the are the words known as article. So A and और the, ये तीनों वर्ड्स जो है आपके क्या कहलाते हैं? आर्टिकल. अब जो आर्टिकल होते हैं ये आपके होते हैं टू टाइप्स के, दैट इज पर्टिकुलर चीज के बारे में बात कर रहे हैं तो हम क्या यूज करते हैं दा, जैसे हमें कोई सेंटेंस में किसी पर्टिकुलर चीज के
बारे में हमें बात करनी है, उसको स्पेसिफाई करना है कि हम उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो हम द का यूज करेंगे। नेक्स्ट विद सुपरलेटिव डिग्रीज, जितनी भी सुपरलेटिव डिग्रीज हैं उसमें हम द का यूज करेंगे। सुपरलेटिव डिग्रीज आप ऑलरेडी एडजेक्टिव में पढ़ चुके हो तो आपको पता होना चाहिए। सपोज एग्जाम्पल आपका, मैं बताती हूँ, सौम्या इज द मोस्ट इंटेलिजेंट चाइल्ड इन द क्लास। तो आपने देखा मोस्ट इंटेलिजेंट के साथ क्या लगा हुआ है यहाँ पे, द। सौम्या इज द मोस्ट इंटेलिजेंट, तो जो सुपर लेटिव है उनके साथ क्या यूज करते हैं, द। नेक्स्ट वर्ड विद लाइक फर्स्ट लास्ट नेक्स्ट ओनली, उनके संग हम मतलब न्यूमेरिकल टर्म्स जो होती है उनके साथ भी हम क्या यूज करते हैं, द का यूज करते हैं। विद अ कॉमन नाउन व्हेन दैट ऐड दैट नाउन रिप्रेजेंट द होल क्लास, जब किसी होल क्लास के बारे में कोई वर्ड रिप्रेजेंट कर रहा हो कोई नाउन को, होल विद अ कॉमन नाउन व्हेन दैट नाउन रिप्रेजेंट द होल क्लास, कोई कॉमन नाउन है और वो नाउन पूरी होल क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है तो उसके साथ भी हम द यूज करते हैं। जैसे कि द रोज इज अ ब्यूटिफुल फ्लावर, जैसे रोज है, रोज की बहुत सारी स्पीशीज हैं, बहुत सारी वैरायटी है, लेकिन जो जितने भी रोजेज हैं यहाँ पे ये होल क्लास को पूरे रोजेज को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये कॉमन नाउन है लेकिन यहाँ पे रोज जो है पूरे क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसके साथ रोज के साथ हमने क्या मेंशन किया है, द रोज। ठीक है, विद द नेम ऑफ ट्रेन शिप्स एरोप्लेन, जितने भी ट्रेन के नेम्स हैं, दी शताब्दी एक्सप्रेस दी राजधानी एक्सप्रेस, जो भी आपने सुना हो जितने भी ट्रेन के नाम है उनके आगे हमेशा दी मेंशन होता है। जितने भी शिप्स होंगे जितने भी एरोप्लेन्स होंगे तो उनके साथ हम क्या यूज करेंगे, दी। विद द नेम ऑफ कंट्रीज इफ द नेम इंक्लूड अ कॉमन नाउन, अगर कोई कॉमन नाउन नेम कंट्री है तो उस कंट्री के नेम के साथ हम क्या यूज करेंगे, दी यूज करेंगे। विद द नेम्स ऑफ न्यूज न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर के नेम्स के साथ हम यूज करेंगे, जैसे कि द हिंदुस्तान टाइम्स द टाइम्स ऑफ इंडिया, सब न्यूज़पेपर के संग क्या होता है, द यूज होता है। विद द नेम्स ऑफ वेल नोन बिल्डिंग्स, जितनी भी वेल नोन बिल्डिंग्स हैं उनके साथ हम सेंटेंस में क्या मेंशन करते हैं, द। जैसे कि वी विजिटेड डैश ताजमहल लास्ट वीक, तो ताजमहल के साथ क्या आएगा यहाँ पे, द ताजमहल। विद द नेम्स ऑफ सीज रिवर्स एंड ओशन, जितनी भी रिवर्स हैं जैसे कि द गंगा द पैसिफिक ओशन द क्या कह सकते हो अरेबियन सी द इंडियन ओशन, जितने भी हैं सारे आपके ओशियंस रिवर्स और सीज सबके नेम के साथ आप आगे क्या लगाओगे, हमेशा दी लगाओगे। विद द नेम्स ऑफ माउंटेन रेंज द कंचनजंगा द हिमालय रेंज द K2, जितने भी रेंजेस हैं मुझे ऐसे प्रॉपर नेम याद नहीं आ रहे हैं, द हिमालय लाइक द नॉर्थ ऑफ इंडिया, तो हिमालय के आगे क्या मेंशन है यहाँ पे, दी मेंशन है। और जितने भी होली बुक्स हैं हमारे इंडिया में हिंदू कल्चर में हिंदू नेचर में, दी कुरान दी रामायण और आप कह सकते हो दी बाइबल, मतलब हिंदू नहीं पूरे वर्ल्ड में जितनी भी होली बुक्स हैं उनके साथ हम क्या मेंशन करते हैं, हम दी यूज करते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा यूसेज कि हम यूसेज कहाँ कहाँ करते हैं किन किन चीज़ों में करते हैं। अब हम पढ़ते हैं ओमिशन के बारे में, आर्टिकल का यूज कहाँ नहीं होता है। नो आर्टिकल इज यूज विद प्रॉपर नाउन, मैं इसको ब्लैक बोर्ड पे लिख देती हूँ तो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। प्रॉपर नाउन के साथ कभी भी आर्टिकल यूज नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल अशोक वॉज अ काइंड रूलर, अब यहां पर जैसे मैंने लिखा है अशोक वॉज अ काइंड रूलर, तो यहां पे अशोक के साथ प्रॉपर नाउन, तो मैंने यहां पे अशोक के साथ कोई आर्टिकल यूज किया है ए एन द नो, तो दिस इज करेक्ट। नो आर्टिकल इज यूज प्रॉपर नाउन के साथ कभी भी कोई आर्टिकल यूज नहीं होता है। नेक्स्ट इज नो आर्टिकल इज यूज विद एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन आप जैसे समझते हो
एडवर्स का एडवर्सिटी और ब्यूटीफुल का ब्यूटी, करेज का करेजेस, ये सब क्या थे आपके एब्स्ट्रैक्ट वर्ड जो मैंने आपको ऑलरेडी इंग्लिश नाउन की कॉपी में कराए थे, तो वो सब क्या थे आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन थे। तो नो आर्टिकल इज यूज विद एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ओके, तो एग्जांपल ब्यूटी प्लीजेस आर आईज, इसका एग्जांपल आप देख सकते हो। एंड लास्ट पॉइंट इज नो आर्टिकल यूज विद सच नाउन एज गोल्ड, सिल्वर, वाटर एक्सेट्रा विच नेम मटेरियल, जो भी कोई मटेरियल होता है, जो नाउन जो मटेरियल है उनके साथ आप यूज नहीं करते हो नाउन। जैसे कि गोल्ड इज एन एक्सपेंसिव मेटल, लेकिन हाँ जब हमें किसी पैराग्राफ में किसी सेंटेंस में पर्टिकुलराइज करना है किसी चीज को तो हम क्या यूज करेंगे नाउन का। लेकिन अगर हम नॉर्मली बात करें तो आर्टिकल जो ये नाउन है हमारे, जैसे गोल्ड, सिल्वर और वाटर है, इनके साथ हम जो मटेरियल है इनके साथ हम नाउन आर्टिकल का यूज हम नहीं करते हैं। ठीक है, तो दिस इज आवर थर्ड पॉइंट। एंड मेन चीज ये कि आप हमेशा याद रखिएगा, जैसे सेंटेंस में कोई बात रिपीट हो रही है, जैसे कोई पैराग्राफ दिया गया है आपको, उसमें आर्टिकल फिल करने हैं और उसमें आपको ये बताया गया है कि इसमें आपको सपोज जैसे किसी स्टोरी में किसी बियर की बात हो रही है, तो स्टार्टिंग में बियर का नाम हो गया, तो बियर वो बार बार रिपीट हो रहा है, तो जहाँ पे रिपीटेशन होता है किसी भी पर्टिकुलर चीज का तो उसके साथ हम फर्स्ट टाइम तो अ यूज करेंगे, उसके बाद हम क्या यूज करेंगे दी, उसके बाद हम क्या यूज करेंगे दी का यूज करेंगे। ठीक है, तो ये एक कॉमन चीज थी जो सबसे ज्यादा बच्चे भूल जाते हैं, दिमाग में नहीं रहती, इसलिए मैंने आपको ये वीडियो में बताई है कि ये चीज आप हमेशा ध्यान रखेंगे, जब कोई पर्टिकुलर चीज की बार बार रिपीटेशन हो रहा होता है किसी पैराग्राफ में किसी सेंटेंस में तो उसके साथ हम क्या यूज करते हैं दा का यूज करते हैं। ठीक है, सो दिस इज योर चैप्टर एक्सप्लेनेशन आर्टिकल यूसेज एंड ओमिशन। एक्सरसाइज वर्क आप ऑलरेडी फिल कर चुके हो, इसकी वीडियो मैंने एक्चुअली बना नहीं पाई थी, मेरे को थोड़ा सा कोड हो रहा था तो इस वजह से मैंने वीडियो लेट बनाई है, तो मैं आपको अब कल वीडियो सेंड करूंगी, तो आप इसको मतलब आज इस वीडियो को अच्छे से देखिए और समझिए, और उसके बाद चाहे तो आप दोबारा अपनी बुक एक्सरसाइज को एक बार नजर मार लीजिएगा। ठीक है, ओके क्लास, योर चैप्टर एक्सप्लेनेशन इज ओवर नाउ।